रामनवमी के आज के इस पावन और पवित्र प्रातः सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज भगवान राम का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। आप सभी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये चैत्री नवरात्र का प्रथम दिन विष्णु जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, यानी विष्णु भगवान का स्वयं का जन्म जयंती और उनके एक महत्वपूर्ण अवतार ये चैत्री नवरात्र में हमारे सामने आता है। मैं भगवान राम के बारे में तो एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि बहुत ही मोटिवेशनल होगा और उनके व्यक्तित्व से संबंधित होगा, लेकिन आज मैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इस 4-5 मिनट की वीडियो को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हिंदू सनातन धर्म की वैज्ञानिकता कितनी लॉजिकल है। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और इन 10 अवतारों में एक क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। एक वैज्ञानिक बड़े प्रसिद्ध हुए थे, उनका नाम चार्ल्स डार्विन था। 1809 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे, 1882 में मरे थे। 1859 में उन्होंने एक बहुत ही शानदार लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल बुक लिखी थी और उस बुक में उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अर्थ पर किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जीवन धीरे 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 आगे बढ़ता है, इसके संबंध में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और वो आज भी तार्किक है। वैज्ञानिक उसमें कुछ ऐड तो कर सके लेकिन उसको सिरे से नकार नहीं सके और आज भी उसकी प्रासंगिकता और रिलेवेंस इतना महत्वपूर्ण है कि वो माना जाता है कि वही एक सबसे साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में, जीवन के क्रमिक विकास के बारे में आर्थिक हुआ है। ये इतना महत्वपूर्ण रिसर्च था कि जब 1882 में चार्ल्स डार्विन की मृत्यु होती है तो उनका जो बरियल है वो वेस्टमिंस्टर में किया जाता है, जहाँ पर राजा के खानदान, राजाशाही के खानदान के लोगों को बरी किया जाता था, वहीं पर चार्ल्स डार्विन की भी कब्र है। आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण इन्होंने रिसर्च किया होगा और वेस्टर्न यूरोप में एक धमाके की तरीके से था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पर जब हिंदू मनीषियों के बारे में हम सोचते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा भी अभ्यास अध्ययन करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि ये वास्तव में हमारे यहाँ तो 3,000-4,000 साल, 5,000 साल पहले से दिखा रखा है। 2,000 साल पहले बनने वाले मंदिरों में भी जो रामायण और महाभारत की कथाएं मोटिव्स और स्कल्पचर के माध्यम से उकेरी गई हैं, उनमें भी रामायण और महाभारत की कथाएं हैं, उनमें भी इन 10 अवतारों के बारे में कथाएं हैं। जो पहला अवतार है उसको हम अगर चार्ल्स डार्विन के साथ जोड़ते हैं तो देखते हैं, डार्विन ने चार डिवीजन किए थे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और लास्ट में उन्होंने क्वार्टरनरी नाम से करा जिसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ भी चार युगों की कल्पना की गई, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में होने वाला पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो पृथ्वी में जो जल था उस जल के अंदर भगवान विष्णु मत्स्य का अवतार लेते हैं और मनु और शत्रुपा को आने वाली बहुत ही तेज बाढ़ से, फ्लड से बचाने की कोशिश करते हैं और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और बाद में नई सृष्टि का संचार होता है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि जो पैलियोजोइक एरा है उसमें एक कल्प आया, छोटा सा कल्प आता है, उसको कहते हैं डिवोनियन, और डिवोनियन ही वो कल्प है जिसमें कोएसर वेट्स यानी जो प्रिमिटिव सेल्स थी उन सेल्स के बाद सबसे पहले मछली यानी फिश पैदा होती है। आप सोचिए सबसे पहले डिवोनियन एरा में फिश पैदा हो रही है और हिंदू धर्म का जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार के रूप में जल में समुद्र के अंदर पैदा हुआ। वैज्ञानिकता को लॉजिकल वे में अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो आपको इवोल्यूशन किस तरीके से हमारे जो अवतार हैं किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो आपको मिलेगा। मत्स्य अवतार के बाद दूसरा अवतार कूर्म अवतार आता है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि मछलियों से धीरे 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 रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। ये रेप्टाइल्स वही हैं यानी सरीसृप, यानी सांप, नाग इत्यादि, जो कछुआ होता है टर्टल या टर्टल यानी हमारे अवतार में कूर्म, ये वास्तव में रेप्टाइल्स श्रेणी में आता है। पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है, अवतारों के माध्यम से हम दूसरे अवतार की तरफ जा रहे हैं और ये अवतार कूर्म अवतार के रूप में आ रहा है जिसमें मंदराचल पर्वत को धारण करता है और समुद्र मंथन होता है, देवता और देव असुरों में युद्ध होता है और असुर हारते हैं, देवता जीतते हैं, पृथ्वी पर एक शांति का वातावरण स्थापित होता है, भगवान विष्णु के माध्यम से कार्य होता है। कूर्म इस चीज को भी सिंबलाइज करता है कि धीरे 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 जो जीवन अभी तक पानी के अंदर था वो एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स के रूप में पानी के अंदर भी है और धीरे धीरे वो जीवन पृथ्वी के ऊपर भी आ रहा है, यानी भूमंडल के पानी को छोड़ करके धरती पर वो जीवन आ रहा है। तीसरा अवतार जो है वो
हमारे यहाँ बताया गया है वाराह अवतार के बारे में। वाराह अवतार के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि ये सुअर है पिग, बट पिग और वाराह में जमीन आसमान का अंतर है। वाराह इस तरीके का प्राणी है जिसका जबड़ा आगे होता है, जिसके दो दांत आगे निकले होते हैं, और इंग्लिश में इसको हम वाइल्ड बोर के नाम से जानते हैं। ये वही बोर है जिसने जिसके माध्यम से पृथ्वी जब जलमग्न हो गई थी तो भगवान विष्णु ने उसको अपने दो दांतों आगे निकले हुए दांतों के ऊपर धारण किया और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। सिंबलाइज्ड है, पानी बहुत ज्यादा बरसा होगा, फ्लड आया होगा, और फ्लड में से किसी तरीके से मानो मैनकाइंड को, ह्यूमनकाइंड को उन्होंने बचाने की कोशिश की होगी, उसी को हम यहाँ देखते। आप देखिए चार्ल्स डार्विन को दो रेप्टाइल्स के बाद आगे आकर के धीरे धीरे चार पैर वाले जानवरों की तरफ आगे बढ़ा, ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है और मैनकाइंड का इवोल्यूशन हो रहा है, और इधर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी आ रहा है। अवतारों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वाराह पृथ्वी पर आ गया है। वाराह के बाद चौथा अवतार जो आता है वो अवतार वामन अवतार के, नृसिंह अवतार के रूप में दिखेगा, यानी आधा धड़ शेर का और आधा मनुष्य, यानी इन्हीं जो हमारे पशु हैं उन्हीं पशुओं में से धीरे 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 ह्यूमन की ओर हमारी सृष्टि आगे बढ़ती चली जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं वामन अवतार। वामन अवतार हम सभी जानते हैं कि किस लिए बनाया गया था, राजा बलि और वामन जब आपस में संवाद करते हैं तो पृथ्वी को वो मुक्त करते हैं, इस प्रकार ह्यूमन काइंड फिर एक बार फ्री होती है। और वामन अवतार ये बताता है कि शिशु के रूप में मानव फिर से एक बार सृष्टि में सामने आ रहा है, यानी अब मैनकाइंड जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और बच्चे के रूप में छोटे शिशु के रूप में हम ह्यूमन को अब देखते हैं इवोल्यूशन। वामन अवतार के पश्चात जो नेक्स्ट अवतार आता है वो परशुराम अवतार आता है, यानी धीरे धीरे मनुष्य अभी इवॉल्व हो चुका है, और परशुराम के साथ एक खास बात यह है कि जो उनका जो शस्त्र है वो एक्स गणासा लेकर के चलते हैं, तो ये भी एक चीज एस्टेब्लिश होती है कि अब मनुष्य जंगलों में रह रहा है और जंगलों में वनस्पतियों को काट करके स्वच्छ स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। परशुराम के बारे में हम जानते हैं कि परशुराम जंगलों में आश्रमों में रहते थे गायों के साथ। परशुराम के बाद जो नेक्स्ट अवतार आता है सातवां अवतार, वो भगवान राम का अवतार। आज उन्हीं का जन्मदिवस है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं दे चुका हूँ। और भगवान राम के इवोल्यूशन के साथ आप देख सकते हैं कि ह्यूमन काइंड धीरे धीरे राज्य सत्तात्मक शासन संचालन के रूप में सामने आ रहा है। भगवान राम एक राज्य का संचालन करते हैं लेकिन बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हैं जंगल में रहने वाले एप्स के साथ, उन आदिवासियों के साथ जिनके साथ उन्होंने सेना बना करके रावण के ऊपर अटैक किया, और बाद में एक ह्यूमन काइंड को फिर से फ्री और पीसफुल एक माहौल देने की कोशिश की। भगवान राम के पश्चात भगवान कृष्ण का जन्म होता है। भगवान कृष्ण के समय गवर्नेंस स्टार्ट हो चुकी है, यानी मनुष्य समाज में आ चुका है, राजनीति पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है, आपस में दो भाई और दो राज्य आपस में लड़ाई करते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, एक ओनरशिप की भावना भी आने लगी है और ह्यूमन काइंड इवॉल्व होता चला जा रहा है। भगवान कृष्ण के बाद जब भगवान बुद्ध का हम आविर्भाव देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कंप्लीट एनलाइटेंड, क्योंकि भगवान बुद्ध एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका था, एक बौद्धिक रूप से एक विजडम के रूप में एक मनुष्य हमारे सामने आता है जो आज का होमो सेपियंस है। इस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतारों के माध्यम से ये जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जिसको चार्ल्स डार्विन 1859 में देते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक बुक उन्होंने लिखी थी उसमें वो देते हैं, वो हमारे यहाँ कितने हजार वर्षों से चली आ रही है, ये सोच करके हमको गर्व करना चाहिए। विष्णु के इन अवतारों के माध्यम से मैं ये बता करके आज के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को लेकर के अपने नज़रें नीचे न करें, बल्कि हर चीज़ में वैज्ञानिकता छुपी है, इस चीज़ को लोगों को बताने की कोशिश करें, और अगर कहीं पर इस तरीके का संवाद हो रहा हो तो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देवी देवता हमारे सनातन धर्म में हर जगह विज्ञान है, इस विज्ञान को मैं समय समय पर बताता रहूँगा। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसमें सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ये हमको प्रोत्साहित करेगा, आपको किसी तरीके का ईमेल या किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, लेकिन ये हमको प्रोत्साहित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।